प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आ गया कोण ए बी सी में, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर हैगा, बी सी 7 सेंटीमीटर हैगा। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी पता करना। हुण पहला जिहड़ा क्वेश्चन हैगा, इहदे च पहला बेसिक चीज़ां सानूं दस्सणियां हैगियां, ठीक है। अगर वो क्लीयर हो गया सारा चैप्टर उही कुछ होएगा। उहदे विच पहला देखो, इहदे विच जो मेन करन वाला हैगा अपने को, पहला तो त्रिकोण ए बी बेस कोण बी समकोण है। पहला त्रिकोण किवें लिखनी है देखो, पहला आप आंसर लिखांगे, आंसर लिखांगे त्रिकोण ए बी सी विच, मतलब कोण बी समकोण है। हुण शक्ल किस तरह बनावांगे, ये त्रिकोण लै ले। पहला सारा बेसिक पॉइंट समझने पड़े, समकोण त्रिकोण आ गए। समकोण त्रिकोण हुंदा जिदे विच एक कोण 90 डिग्री आए। हुण इत्थे कहता उन्होंने बी 90 डिग्री हैगा, तो यह इस जगह से अगर आप इस तरह, यह वर्ग का मतलब होंगे 90 डिग्री, यही पता होना चाहिए। यह वर्ग आ गया मतलब यह 90 डिग्री बन गया, इन उत्थे आपां वर्ग बना देना 90 डिग्री। बी है ना समकोण, यदा मतलब जिस जगह पर 90 डिग्री कोण उत्थे बी लिखना, इधर ए लिखना, इधर सी लिखना, यह पता लग गया। सपोज करो आप त्रिकोण होंगी, त्रिकोण होंगी पी क्यू आर, वो कहता जो क्यू कोण हैगा समकोण हैगा, क्यू समकोण हैगा। आप ट्राइंगल इस तरह बनाने से पहले तो समझो, फिर थोड़ा पता लग गए जिते क्य समकोण कितने, इतने क्यू हैगा, इतने आप क्यू लाता, बाकी रह गया पी आर। इतने पी लिख दौ, इतने आर लिख दौ, पहली गल तो यह चीज़ थानू समझनी चाहिए, ये आनी चाहिए थानू। अगर ये ना ही तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो भावें आप अद्धे घंटे जैके ही समझिए, पर उस बाद सारा क्लीयर हो जाएगा टॉपिक, इन्ना पता लग गया। हुण अपने त्रिकोण ए बी सी विच कोण बी जिहड़ा समकोण हैगा, मतलब समकोण का मतलब की आ बे कोण बी बराबर की हैगा 90 डिग्री, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। ए बी सी रहता 90 डिग्री है। हुण कहिंदा पहली गल समझो, ये होर पॉइंट सिंपल जिहा क्वेश्चन बाद शुरू करते हैं, छड़ दें आप तो पहला होर पॉइंट समझो, पहला जनरल जिहा क्वेश्चन है पहला पॉइंट समझो। पहला आ गया आप साइन थीटा, पहला आप पहले पास लिखे दईए साइन थीटा की हुंदा, लंब बटा करण, कॉस थीटा हुंदा आधार बटा करण, टैन थीटा की हुंदा लंब बटा आधार, कॉट थीटा इहदा उल्टा जाणा आधार बटा लंब, सीकंट थीटा इहदा उल्टा जाणा करण बटा आधार, और कोसीकंट थीटा इहदा उल्टा जाणा, यह आ गया करण ओवर लंब। ध्यान दिओ सारे जाणे, पहला बेसिक चीज़ें एक दोबारा फिर समझ लेनियां। साइन थीटा हुंदा लंब बटा करण, कॉस थीटा आधार बटा करण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा इहदा उल्टा जाणा, इह लंब बटा आधार आधार बटा लंब आ गया। सीकंट थीटा इहदा उल्टा जाणा, कॉस दा करण बटा आधार आ गया, कोसीकंट थीटा इहदा। साइन थीटा इंग्लिश कहांगे लंब नूं कहूंगे पी, इहनू कहिंदे हाईपोटोन्यूस, ये आ गया बेस ओवर हाईपोटोन्यूस, ये की आ गया परपेंडिकल ओवर बेस, ये की आ गया इहदा उल्ट बेस ओवर परपेंडिकुलर। करण की आ गया है बेस, क्योंकि उल्टा है, ये की आ गया आप हाईपोटोनिज ओवर पी परपेंडिकुलर, यह पता लग गया सारे देख लो, ठीक है जी। हुण ये चीज़ किवें समझनी हैगी है, पहले पॉइंट समझो भी इनू आप इंग्लिश कहने है, पंजाबी जनू सनमुख भुजा भी कहते हैं, लंब नूं भी ख्याल रखने की लोड़, लंब नूं आपां सनमुख भुजा भी कह दें, सनमुख भुजा ते आधार नूं लागमी भुजा, आधार नूं लागमी भुजा कहिंदे हैगे, ठीक है जी। ते करण नूं करने कहिंदे हैगे, ठीक है जी। हुण आपां अगे आ जी, ये पॉइंट किस तरह आने हैगे, हुण ये समझो पहला भी आपां कोई ट्राइंगल आ गई, हाँ ध्यान दिओ पहला, फिर तुहानूं क्वेश्चन सारा समझ लग गया। अगर आपां कोई ट्राइंगल आ गई, एक मिनट थोड़ा टाइम लगना इनू, पर थोड़ा एकदम पॉइंट सारा क्लीयर हो जाएगा, ठीक है जी। आप ट्राइंगल आ गई, मान लो आप ट्राइंगल आ गई ए बी सी आ गई, इतने 90 डिग्री का कोण हैगा। हुण देखो अगर आप इतने एंगल कोई इतने थीटा ले लिया, ठीक है जी। अगर ये कोण थीटा आ गया, ये लंब आनी भुजा, ये धार आनी, तो ये कर आनी, ध्यान देख लो, ध्यान देख लो। अगर
आ एंगल आ गया थीटा इतने आ गया क्योंकि ये जो कोण हैगा सामने वाली भुजा जी है लंब होंगी सनमुख भुजा कहते हैं लंब की हैगी है कोण के सामने वाली भुजा सनमुख का सामने वाली ये सामने वाली भुजा ये लंब आनी है ये नाल वाली भुजा आधार आनी है तो आ जी हैगी जी दो भुजावान 90 डिग्री का कोण बनाते उन्होंने जो शिखर में बनाते आ सिखरे का यह है यदा वर्टेक्स ये हैगा यदा वर्टेक्स ये है बनाते हैं तो यह आएगा वर्टेक्स यदा वर्टेक्स ये है बना के आप हाइपोटेन्यूज बनता है ट्राइंगल जी है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के ठीक है जी हूँ ध्यान दो अगर एंगल ए आ गया यह लंब आएगा यदा राइट हम दूजे पास देख लो अगर लेंग अगर ये तो कौन आ गया आपको ए बी सी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हैगी है समकोण कोण हैगी है अगर एंगल ए आ गया थीटा अगर इन थीटा लंबा ये सामने वाली भुजा ये लंब आ जाएगी ये लंब आएगी ये नाल आधार है भी करण उकीरण है मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया ये परपेंडिकुलर बेस हम इतने ये बेस चल गया ये परपेंडिकुलर तो यह हाइपोटेन्यूज ध्यान दौ सर जन इस चीज़ समझ रहे तो सारा कुछ समझो अपना हो गया और ये आना ही चाहिए अगर ये आ गया सारा चैप्टर भज्जा फिरेगा पहला आप बेसिक चीज़ समझो ठीक है जी हूँ ये सारे क्लीयर हो गया अगर एंगल ए आ गया थीटा तो यह सामने वाली भुजा लंब आनी है नाल वाली धार आ जाएगी करण आ गई अगर एंगल ए थीटा आ गया देखो ये जो सामने वाली भुजा ये लंब आनी तो नाल वाली ए धार आनी तो यह करण आनी है मैं इंग्लिश भी लिखता सारा ओके जी हूँ दूसरे पास देखो अगर इस तरह लिखता ध्यान दे हूँ आह पॉइंट समझ आ थोड़े अपने ज़्यादा तुम तंग कर सकता आह चीज़ समझो ध्यान देना नहीं बिल्कुल ये मेन हैगा अगर ये ना आया तो सानू सवाल नहीं आने ए बी सी हूँ जो सीधा ही कहता भी आप इतने कौन सी की गल हो रही है सी कौन कि है ए गल हो रही है ए कौन की गल हो रही है सी की हो रही है ठीक है वो कहता साइन सी पता करो जो सी की गल हो रही आह कौन की गल हो गया अगे आप थीटा लिखा हूँ आप है सी लिखा ये सामने वाली भुजा की आ गई ए वाली लंब आ गई ये नाल वाली आधार आ गई जो साइन सी की गल करा ध्यान दौ सर यह की आ गया आप करण आ गया मतलब ए परपेंडिकुलर ए बेस तो ए हाइपोटेन्यूज अगर एंगल सी की गल करते हैं ध्यान दौ उस चीज़ हूँ दूजे पास ये समझ लग गई फिर क्वेश्चन सारे समझ ये आना ही चाहिए थानू ए बी सी फिर जे कहता साइन ए ध्यान दौ साइन ए कौन ए ए आ गया इनू ए कहोंगे आप ध्यान दौ इतने एक साइन सी सी इतने है ना भी ना हो जो सी देखना कितने है मतलब आ कौन है यह कौन की गल हो रही है तो ये सामने वाली पूजा लंबा वाली नाल वाली धार आनी है वह करना आ गया ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हम ये हम आ गया एंगल ए साइन ए ए एंगल इतने आप ध्यान दौ ये सामने वाली पूजा ए आनी लंब आनी है नाल वाली धार तो ये करण आनी है पता लग गया चीज़ का एक जे किसी कोई प्रॉब्लम हैगी दस दौ और ये आना ही चाहिए मेरा ख्याल थोड़ा सारे पता लग गया होगा ठीक है अगर ये पता लग गया फिर आप अगे चलीए ठीक है जी ये नोट कर लो चंगी तरह इन आ सारा याद करना पैना यह समझना पैना कितने पॉइंट है कुछ नहीं ये चलो हम आप क्वेश्चन इधर आ जाइए आप इस क्वेश्चन पर आ जाइए हूँ इन्हें क्या तकोण ए बी सी बिच जिसका कोण बी समकोण आप चीज़ समझो आप शक्ल किता बनावे बी तो समकोण हैगा आप हम आंसर देन लगे आप इतों पहला जरा है ये सारा थोड़ा एक वैसे ही वर्क हैगा ठीक है ये थानू जो पहला करवाया सर से हम आंसर शुरू कर लगे पहला त्रिकोण ए बी बिच कोण आप लिखा त्रिकोण ए बी सी बिच की आ गया 90 डिग्री आ गया ठीक है त्रिकोण इन्ना आ गया हूँ शक्ल कितना लिखा देखो तो शक्ल का रौला है ये आप बना ली त्रिकोण इतने बी है समकोण समकोण होंगे 90 डिग्री बी 90 डिग्री है इतने आप लिखा इस जगह पर बी लिख देना जिथे 90 डिग्री का कोण बी समकोण है इतने बी आएगा इतने 90 डिग्री का कोण बने बाकी हम इतने ए लिख दौ इधर सी कर दो त्रिकोण के तीन ही पॉइंट आने वर्टेक्स तीन ही आने शिखर तीन ही आने ठीक है ये आ गए त्रिकोण हो गया हूँ लैना आप अच्छा दूजा भुजा देते ए बी कि 24 सेंटर ए बी कि भुजा हैगी आ भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर आ गई की आ गई इतने लिख दौ पहला ए बी रबर कि आ गया 24 सेंटीमीटर बी सी कि है आपको
ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बी सी कितना हैगा है 7 सेंटीमीटर। पहला ये हुण आपां नूं चाहिए साइन ए। साइन थीटा की हुंदा, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपरपेंडिकुलर, तो यही आ जाएगा साइन ए। जो तो साइन ए आ गया, देखो ध्यान, ये एंगल आएगा साइन ए, इतने परपेंडिकुलर ए आएगा, ये सामने वाली भुजा लंब आएगी। ठीक है, जिन्होंने लंब कहते हैं परपेंडिकुलर, सामने वाली साइन ए की गल हो रही, साइन ए सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब आ गई। इधर की आ गया नाल वाली जी हैगी आधार आएगी, तो बेस आएगी, तो ये की आऊगा करण आएगा, तो हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है जी, हुण इहदे विच आपां नूं चाहीदा साइन ए। साइन ए, साइन ए हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपरपेंडिकुलर, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये भुजा चाहिए, ये साइड कितना होगी। हुण ऐ की करना आपां इस कोण दे विच, इह तुहानूं दस्सदा वी किवें लिखे हैगे। ठीक है, हुण आपां लिखांगे पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस दे नियम ताल, पाइथागोरस दे सिद्धांत मुताबक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम की हुंदा हैगा, बई हाइपोटेन्यूज स्केयर जो है बाकी साइड के सम के जोड़ के बराबर हुंदा हैगा। ठीक है जी, मतलब कहता करण का वर्ग जो है बाकी दो भुजावां के वर्गों से जुड़े की आएगा, ए सी की दो की आएगा, ए सी की दो बराबर ए बी की दो जमा बी सी दो की आएगा, ए सी दो बराबर ए बी दो जमा ए सी दो की आएगा बराबर ए बी दो जमा बी सी दो। हुण ये बराबर की आ गया ए बी, ए बी कि 24 आ, कोई जगह करके मैं इतने नाल इदा लिख के आ दो अंदर पासे ना जाए ब्रैकट दे बाहर कोर्नर पर आना, ए बी कि 24 आ, इतने 24 दो आ गया, बी सी कि 7 वा, इतने 7 ही दो आ गया, ये क्या आ गया ए सी 24 24 कि आ गया 576 आ गया, 7 × 7 = 59 आ गया, 9 × 6 = 15 × 7 = 11 × 12 ये 625 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया ए सी दो बराबर की आ गया 25 / 2, ये की आ गया ए सी बराबर कि आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, यदा मतलब ए सी कि आ गया, ए कि आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। पता लग गया चीज़ का, पहले तो यही सानू गल आनी बहुत जरूरी हैगी है, तो देख लो मुझे पिछले रह गया थोड़ा बी ए सी की दो करण का दो हों ए बी दो जमा बी सी दो लिखता आप इतना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए सी दो बराबर ए बी दो जमा बी सी दो, करण का वर्ग बराबर ए बी दो, हाइपोटेन्यूज का वर्ग जो परपेंडिकुलर बेस से स्क्वायर के बराबर आएगा, ए सी दो बराबर ए बी दो जमा बी सी दो आ गया। हुण ए बी कि है आप 24 आ, 24 / 2 आ गया, बी सी कि 7 × 7 = 2 आ गया, ये आ गया ए सी 24 24 कि आ गया 576 आ गया, 7 × 7 = 49 आ गया, 625 आ गया, ए सी दो 25 625 = 25 2 25 2 आ गया, ए सी कि आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। हुण देखो सारिया साइडा आ गई अपने, क्लीयर हो गया पॉइंट। हुण आप आ जाइए इतना, क्लीयर हो गया पॉइंट, आ समझ लगी आह चीज़ आनी बहुत जरूरी है। अगर इदा कोई सवाल आ गया, मान लो कई बार आपको आह तो भुजा दी हैगी है, ये दी होनी पर फार्मूला ला के आप कीमत भर देनी है। ठीक है जी, चलो एक आप कर लिए पहला, फिर दोबारा थोड़ा दसूँगा तीन पॉइंट किस तरह आते हैं उस कि करना है पॉइंट, वो भी करते बाद। यह हो गया हूँ ए सी 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद की करिए आप, क्योंकि जो एक सवाल समझ लग गया सू सारे क्लीयर हो जाने, ये हो गया क्लीयर पॉइंट। उस तो बाद अगे आ जाइए आप लास्ट विच, हुण आंसर लिखने आप, ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। चलो एंड ज आप उत्थे एंड च लिख लाँगे थले जाके, ए सी रबर 25 सेंटीमीटर लिख लिया जी आप, हुण तिने हो गया ये जो साफ किए लिखना है, पर लिखण तो बाद फिर अपने एंड च ये लिख देना। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया तो लिखे सी अपना। हुण आ गया साइन ए, देखो पहला आ गया साइन ए, ध्यान दौ साइन ए, फिर आ गया कॉस ए। जदों आपां कोण ए लैणा हैगा ध्यान दिओ सारे जणे इत्थे साइन ए, ठीक है जी, जदों साइन ए आ गया तो ए कोण दे सामने वाली भुजा ए लंब आउणी आ, ए परपेंडिकुलर आउणी आ, समझ लो इस चीज़ नूं। ठीक है जी, हुण की आ गया ए लंब आ गया, जदों कोण ए दी गल हुंदी आ, ए आउणा लंब बटा कर्ण, मतलब की आ गया, ये लंब की आऊगा, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, 7 बटा किन्ना आ गया, ये कर्ण किन्ना आ गया 25 आ गया, आंसर निपट गया। ठीक है,
इतने इंग्लिश लिख दौ परपेंडिकुलर ओवर हाइट लिख दो जी इंग्लिश लिखना है हो जाएगा क्लीयर। इतने लिखा पी ओवर एच, ठीक है जी। जे नहीं लिखना सीधा लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी भी लिख सकते हैं। आपने तो लिख दी बी सी बटा ए सी ज़्यादा वधिया रहेगा बई। ये मतलब कि यह बी सी की है परपेंडिकुलर ही आ गया लंबे ही आ गया ही कारण ए सी आ गया, ठीक है जी। हुण कॉस ए आधार बटा करन आना, आधार की हैगा ए हैगा ए होगा ए बी बटा ए सी। ये कितना आ गया आपको 24/25 आ गया। ये मेरे ख्याल सब क्लीयर हो गया होगा, ठीक है जी। नाल इतने लाइन मार के आप हम इधर आ जाइए आपको साइन सी, साइन सी फिर आ गया कॉस सी। हुण साइन सी सी कौन ए आ गया, देखो आ चीज़ समझने वाली आ गया कौन सी ए आ गया। हुण सारा कुछ बदलना ये बच्चे, हुण कौन साइन सी सी आ कौन आ गया आ वाला। ये सामने वाली पूजा ये आऊगी परपेंडिकुलर ते लंब, ये की आऊगी आधार ते बेस। ये सामने वाली पूजा परपेंडिकुलर होनी है जो साइन कॉस सी की गल सी ए हैगा कॉस सी साइन सी की गल कॉस सी सी इतने पॉइंट कौन है ए हैगा। ये सामने वाली पूजा लंब आनी है नाल वाली आधार आनी ये कारण करण तो उही रहना है, ओके जी। हुण देखो साइन सी किंदा साइन किंदा लंब बटा करन, लंब की आ गया इतने ए भी आ गया तो करण ए सी आ गया। ए भी किन्ना आ गया 24/25 आ गया। हुण कॉस सी सी ए हैगा, ठीक है सी ए हैगा। अच्छा कॉस सी आधार बटा करन आना, कॉस की गल की हैगी आधार बटा करन, आधार किन्ना आ गया बी सी बटा किन्ना आ गया ए सी, ये किन्ना आ गया 7/25 आ गया। इन्ना क्लीयर हो गया पॉइंट, ये थानू सवाल समझाते हैं कि ये देख लो। ये करने तो बाद आप अगे होर गल चलीए थोड़ा जहा पॉइंट है सपोज करो आप कोई आ पजामा देती हैं तकोण दे जे ना तो नहीं हम आप अगे चलते थोड़ा जहाँ ताकि सानू एक काम निबड़ गया थोड़ा पर इतों बाद अगले पॉइंट थोड़ा मैं क्लीयर कराने ताकि सानू कोई दिक्कत ना आए गांव, ठीक है जी। ये मैं लगता हो थानू आ सारी याद करने पैने, ठीक है जी। कितने कोण लिखा जिथे जिथे बी आ गया सम कोण, जिथे 90 डिग्री का कोण बनता उत्थे पहला वो लिख लेना बाकी पॉइंट अगे पिछे लिखते वह कोई दिक्कत नहीं। ये क्लीयर हो गया होगा, हुण तुहाडा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हुण मैं तुहानू वैसे ही दसन लगा पॉइंट इहदा, हुण क्वेश्चन ना कोई इस नाल संबंध नहीं हैगा वो भी तुहानू करवा दिए तां कि तुहानू एक एक पॉइंट क्लीयर हो जाए। हुण अगे देखो अगे आ गया आपां कोल ए त्रिकोण आ गया, दुबारा फिर देखो ये त्रिकोण आ गई सपोज करो ये त्रिकोण आ गई आपको ये त्रिकोण आ गई ए बी सी। पहले तो आप कर लिया भुजावां दित्तियां सी, कई बार आ जाता वो आ दित्ती होंगी भुजा आ दित्ती होंगी आ एक आ दित्ती होंगी हैगी। हुण वो कहिंदा भी क्योंकि आप कोई भी चीज़ लभनी हैगी मान लो आप साइन चीज़ा की कि लभनी हैगी वो होनी है लंब बटा करण, जे कॉस लभना वो होना आधार बटा करण, ठीक है। यदा मतलब आपको अगर आप कोण सी आ लेने है, ठीक है सामने कोण ए लंब आएगा ए आधार आएगा तो करण आएगा, ठीक है। चलो कोण आ लै लो, ठीक है चाहे आ लै लो आना यही है यदि 2 = ए बी 2 + BC 2, ठीक है। हुण इहदे विच किद्दां लिखांगे आपां आ ध्यान दे सच, ठीक है। फार्मूला उही पाइथागोरस का, पाइथा ए सी दी 2 = ए बी 2 + BC 2। आ पॉइंट समझो कि आप जो साइन लवेंगे आऊगा लंब बटा करन कॉस आधार बटा करन, यदा मतलब अपन लंब आधार करन तिने चाहिए तो सारा कुछ क्लीयर होना है। यदा मतलब अपन इस दतिया 2 भुजावां दतियां, एक दतियां ए सी 13 cm बी सी रबर हैगा 12 cm। हुण ए सी 13 या BC 12 अपन ए सी लभना है उही लिखना पाइथागोरस के सिद्धांत ताकि ए सी 2 = ए बी 2 + BC 2 आ गया, ठीक है जी। लिख लिया पहला आप इतने लिखना भी सीगा, आप लिखना सी त्रिकोण ए बी सी विच कोण बी 90 डिग्री आ लिखना सी इतने, ठीक है जी। लिखने तो बाद फिर आप लिखना सी ए सी किन्ना आ गया 12 cm बी सी किन्ना, ए सी 13 cm आ गया बी सी 12 आ गया। हुण आप ए भी लभना फिर आप लिखना से पाइथागोरस लिखना लिखा नहीं तो पाइथागोरस सिद्धांत जिदा पिछले क्वेश्चन किया सारा उदा ही करना पैना पाइथागोरस सिद्धांत अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
एसी दो आ गया, करंट दो आ गया बराबर एबी दो आ गया, जब ऐसा ची कितना करना हूँ एसी कितना 13 दो आ गया, ध्यान दो सारा एबी इतने कुछ नहीं है क्या इन्हें उतारे था, बीसी कितना है 12 दो आ गया, 13 169 आ गया, एस ए आ गया एबी दो, बीसी 144 आ गया, इन्हें उधर ले आता 169 माइनस 144 बराबर एबी दो, ए आ गया 25 दो बराबर एबी नहीं हाँ 175 आ गया, ए की आ गया आपको 5 दी दो बराबर ए बी दी दो, ठीक है जी, ए की आ गया आपको 5 दी दो तो दो ए बी दो, ठीक है जी, 5 दी दो ए की आ गया ए बी बराबर 5 आ गया, आ चीज़ समझो जो कोई चीज़ जितना पहुंच गई ना, जितना आपको आ गया 49 दो, आप पहुंच समझो 49 दो बराबर बी सी दो, मान लो इदा आ गया आप लिखा गया इनू नहीं 49 बराबर बी सी दो लिखा गया, 7 दो बराबर बी सी दो, फिर क्या जूगा बी सी बराबर 7, आ चीज़ समझो पहला, मान लो आपको आ गया 36 बराबर ए सी दो, सपोज करो फिर लिखा गया अपन 6 दी दो ए सी दो, तो ए सी बराबर कितना आना है 6 आना है, क्योंकि ये रकम हैगी वैसे तो सही तरीका तो जो आ चीज़ आँदी आप इतने लिखा प्लस माइनस करके हों इस तरह, जो मान लो आप कीमत लभनी है ना सही तो होना ए सी रबर की होना प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 6 आना चाहिए, पर जिड़िया भी खेत्र मिति जिन्हें भी जिड़िया शक्लों वाली कोई भी जिन्हें भी शक्लों वाले सवाल है खेत्र मिति वाले है कोई भी है इस तरह वो यदि कोई पुजा माइनस नहीं आती है गल समझ वाली है, इस करके आप सीधा ही लिखते हैं 36 लिखता 6 दी दो ए सी दो, तो ए सी रबर कि आ गया 6 आ गया, पहले पॉइंट थोड़ा पता लगना कि मेरा सारे पता लग गया होगा, इस कोई दिक्कत वाली गल नहीं हो गया, एक पॉइंट यह आ गया किस तरह लिखना है पता लग गया, आ भी थानू समझाते किस तरह आने हैगे, ठीक है तो होर भी आने वो थानू बाद दस दें, चलो ये हो गया क्लीयर पॉइंट, हूँ आ जाइए आप अगे चलीए, हूँ कई बार की हूँ आ चीज़ इधर दिखती होंगी है, मान लो आप भेज देती इधर 5 सेंटीमीटर, ठीक है हूँ उही लिखना तो कौन ए बी सी 90 डिग्री आ गया, आपको दिता ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर आ गया, ए सी बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, आप तिने पहला पजामा लभनिया साइडा लभनी होनी है तिने, हूँ लिखना कि पाइथागोरस सिद्धांत की आ गया ए सी दी दो एदी दो बराबर ए बी दी दो जमा बी सी दो, हूँ ए सी दी दो ए सी 13 आ गया 13 ही दो आ गया, ए बी इतने कितना है 5 ही दो आ गया, बी सी ए उदा ही आ गया, ये आ गया 169 बराबर 25 जमा बी सी दो आ गया 169 इन इधर लिया माइनस से 25 बराबर बी सी दो आ गया, ये क्या गया 144 बराबर बारों बार 144 हूँ 12 ही दो बराबर बी सी दो, तो बी सी बराबर कि आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, ए पॉइंट ये तिने थानू तां दसे थानू क्लीयर हो जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये थानू करना ही पड़ा है, ठीक है जी, प्लीज सारे जने जिन्ने बच्चे है बिल्कुल ध्यान ना इन कर लो, फिर कोई क्वेश्चन जो अगला चैप्टर आप अगला क्वेश्चन शुरू करा थोड़े बिल्कुल सौखा हो जाएगा, इन्हें प्रैक्टिस करनी पैगी है कि किस तरह तरह पॉइंट आ गए, पहला क्वेश्चन थोड़ा पूरा हो गया हूँ बस करिए आप मेरे ख्याल क्योंकि वीडियो ही बंद होने वाली है इन्नी की आनी है, हूँ एक थानू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा थानू क्लीयर करवा दिता है।